हेलो एंड वेलकम गाइस। आज की ये वीडियो गूगल शीट को लेकर के है, और गूगल शीट में क्या खास है आइए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप एड्रेस पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये न्यू कॉलोनी देवरिया 881/6, ठीक है। फिर नीचे आते हैं राघव नगर 678/3, फिर यहाँ पे आते हैं तो रामनाथ देवरिया 30/1, फिर यहाँ सिविल लाइन्स 567/23 है, फिर यहाँ रामनाथ देवरिया 30/7 है, फिर यहाँ न्यू कॉलोनी 881/4 है, ठीक है। यहाँ पे 6 था देखिएगा, और यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे राघव नगर 778/6 है, फिर यहाँ रामनाथ देवरिया। इस तरीके से बहुत सारे एड्रेसेस लिखे हुए हैं, और हो सकता है कि इसमें से कुछ एड्रेस रिपीट भी हुए हों, ठीक है। जैसे यहाँ पे 30/6 है, तो यहाँ देखिए 30/7 है, फिर यहाँ 30/6 हो गया है, यानी कुछ एड्रेस तो रिपीटेड है। और ये मान लीजिए कि यहाँ पर तो एक छोटी रेंज है, आपके पास बहुत बड़ी रेंज भी हो सकती है इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको फाइंड आउट करना हो तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो एक फॉर्मूला गूगल शीट का जो आपको काफी ईज कर देगा, आपके काम को काफी आसान बना देगा, वो क्या फॉर्मूला है। लेकिन दिक्कत हमारे साथ ये है कि डेटा हमारा यहाँ पर है और हमको लेके आना है सेकेंड शीट पर, तो ये कैसे पॉसिबल होगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर यूनिक फंक्शन में लगाने वाला हूं, तो यहाँ पर लिखा UNIQUE, तो ये आ गया यूनिक, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यूनिक ही लगाना है। आप देखिए यहाँ पे जैसे ही यू टाइप करते हैं ना, यहाँ पे यू से रिलेटेड तमाम फॉर्मूलाज हाईलाइट होने लगते हैं, तो आपको यू के बाद एन टाइप करना है। आप देखिए इसमें यूनिक एर आ रहा है, यूनिक कोड आ रहा है, यूनिक परसेंटेज आ रहा है, तो आपको और कोई नहीं बल्कि यूनिक ही लेना है, ले लिया। अब आपको उस डेटा को सिलेक्ट करना, यानी हमको शीट नंबर 1 पे जाना होगा और यहाँ पर जाकर के अपना सिलेक्शन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर शीट नंबर 1 पे चलते हैं, यहाँ पर आ गए हैं हम शीट नंबर 2 पर, और ये जो कॉलम यहाँ पे बना हुआ है, इस कॉलम को आप सेलेक्ट कर जाइए, ये एक कॉलम पूरा ही आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। आप चाहे तो इसको हटा सकते हैं यहां से, ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं रहने देता हूं इसको, ठीक है। और फिर हमको लगाना है यहां पे कॉमा, और कॉमा लगा के क्या करना है, यहां पर 0 लिखना है और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करना है। तो यहां पे आप देखेंगे कि यहां पर आपको यूनिक वैल्यू ये फिल्टर करके दे रहा है। अब कैसे यूनिक वैल्यू दे रहा है इसको चेक करना होगा। तो एक बार चेक करते हैं कि पहले वाले में कितनी वैल्यूज थी। यहां पर मैं फिलहाल तो नंबरिंग कर देता हूं ताकि आपको पता चलता रहे कि ये कितनी वैल्यूज है यहां पे। तो यहां पे ये नंबरिंग कर दिया है हमने, ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये तो कुल मिला के 10 वैल्यूज यहां पे, यानी 10 जो एड्रेसेस हैं वो इंसर्ट हुए हैं, यानी फॉर्मूला लगाने से यहां पे 10 एड्रेसेस आए हुए हैं। यहां पर कितने एड्रेसेस हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 काफी सारे एड्रेसेस हैं जो रिपीटेड है। तो ये क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करके आपको दे देता है फॉर्मूला, ठीक है। आप चाहे तो सेम शीट पे भी कर सकते हैं। सेम शीट पे कैसे होगा, तो वही तरीका है, यूनिक का फॉर्मूला लगाइए और ये पूरा रेंज जो है जहां तक आपका डेटा है उसको सेलेक्ट कर जाइए। आप चाहे ना तो इसको यहाँ पे देखिए, ये जो रो नंबर आ रहा है इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, इसको हटा दीजिए। हटाने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे लगाना है कॉमा, कॉमा लगा के 0 देना है। तो यहाँ पर आप जो भी देंगे ना, वो डुप्लीकेट वैल्यू इस वाले कॉलम में अगर आप देते हैं तो ये ऑटोमेटिक फिल्टर कर देगा अपने मन से। कैसे, देखिए यहां पर अगर मैं इसी वैल्यू को, देखिए ये भीखमपुर 800 678/1 लिखा हुआ है, इसी को मैं अगर कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूं, तो यहां पर ये फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है कि यहां पर यूनिक वैल्यू ही आ रही है। देखिए भीखमपुर एक बार ही आ रहा है, यहां पर 2 बार हमने लिया हुआ है तो ये एक ही बार आ रहा है, ठीक है, देख सकते हैं। तो ये फायदा है, ठीक है। अब अगर यहां पर कोई ऐसी वैल्यू दे दे जो डुप्लीकेट ना हो, जैसे न्यू कॉलोनी 345, ये इस तरीके का एक वैल्यू यहां पे दे दी हमने, तो क्या ये इंसर्ट हो जाएगा। तो देखिए यहां पर ये ऑटोमेटिक इंसर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। फिर एक बार ट्राई करते हैं कि यूनिक वैल्यू डालते हैं इसमें, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं राम गुलाम नगर, ये इस तरीके से लिख दिया, और यहां पर एंटर प्रेस करता हूं तो यहां पर देखिए राम गुलाम नगर ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि ये यूनिक वैल्यू है। लेकिन कोई डुप्लीकेट वैल्यू अगर आप लेते हैं तो वो नहीं आएगी। तो यहां पर इसको अगर कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूं तो ये नहीं आएगा। तो यूनिक फॉर्मूले का ये कमाल है। तो जहां कहीं भी अगर आप यूनिक वैल्यू चाहते हो वहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये फॉर्मूला काफी इंटरेस्टिंग है और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।